वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, और ये पेपर में आ सकता है। अगर आप लोगों का पेपर हुआ तो ये मान के चलो, चाहे सीबीएसई हो चाहे जेके बोर्ड, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, जो आप लोगों को एक घंटे में मैं आप लोगों को ये समझा सकता हूँ। पूरा क्वेश्चन एक घंटे का क्वेश्चन है लगभग। तो ये है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। और शोर नहीं करो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द लिक्विड rises in the capillary tube। और क्वेश्चन है इस तरीके से भी पेपर में आ सकता है, derive ascent formula, derive ascent formula, चाहे ऐसे आए क्वेश्चन या ऐसे आए आंसर तो एक ही, चुप करके सुनो। मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़ाया, दो किस्मों के लिक्विड्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, वन इज दैट व्हिच वेट्स द सरफेसेस ऑफ द कंटेनर, व्हिच वेट्स द सरफेसेस ऑफ द कंटेनर, एंड अनदर इज दैट व्हिच डज नॉट वेट द सरफेसेस ऑफ द कंटेनर। अगर मैं इस दीवार पर पानी ऐसे लगाऊंगा, पानी के ड्रॉपलेट इस पर चिपकते, लेकिन अगर मैं मरकरी लगाऊंगा ऐसे गिलास से, मरकरी इस पर चिपक नहीं जाती। एक एक गिलास में मैं मरकरी डाल दूंगा, एक गिलास में मैं पानी डाल दूंगा, पानी चिपक जाता है गिलास सरफेस के साथ, लेकिन मरकरी नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, वन इज which wets the surfaces of the container and another is which does not wet the surfaces of the container. याद रखना, those liquids which wets the surfaces of the container makes a concave shape at their surfaces. कौन सी shape बनाते हैं, कौन से liquids, ये video में मैंने समझाया हुआ है, कंकेव शेप, या इसको बोलते हैं कंकेव मेनिस्कस, क्या बोलते हैं, कंकेव मेनिस्कस, कंकेव मेनिस्कस। बट इसमें पानी रखा मैंने, ये उन सर उन लिक्विड्स में बनती है जो वेट करते हैं, दोज लिक्विड्स विच डज नॉट वेट द सरफेसेस ऑफ द कंटेनर, लाइक मरकरी, लाइक मरकरी makes a convex, makes a convex meniscus at their surface. जरा मुझे बता दीजिए कितने किस्मों के लिक्विड है आप लोगों के पास, दो किस्म, ठीक है बेटा। एक ऐसा लिक्विड है जो वेट करता है सरफेसेस ऑफ द कंटेनर, वो कौन सी शेप ऊपर बनाते हैं, कनकेव मेनिस्कस। जो वेट नहीं करते हैं लाइक मरकरी, वो कौन सा, शेवर्स बेटा, कन्वेक्स मेनिस्कस। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको भी टेंजेंट ड्रा करूंगा, कनकेव सरफेस को टेंजेंट ड्रा कर दीजिए या कन्वेक्स सरफेस को टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, ठीक है बेटा। ये जो अंदर से पानी के अंदर से आप लोग एंगल बनाओगे, इसको थीटा बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कंटैक्ट, क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं एंगल ऑफ कंटेक्ट। पानी के बाहर से नहीं एंगल मेजर करना है, पानी के अंदर से मेजर करना है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कंटेक्ट। अब आप लोग खुद देख लीजिए, फॉर दोज लिक्विड्स विच वेट्स द सरफेसेस ऑफ द कंटेनर द एंगल ऑफ कंटेक्ट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, है कि नहीं, इसमें क्या बनता है थीटा, शाबाश। इन इसका मतलब हो गया ऐसे लिक्विड्स जो वेट करते हैं सरफेसेस ऑफ द कंटेनर हुज एंगल ऑफ कंटैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मींस
एक्यूट एंगल्स बनाती है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे लिक्विड्स के लिए कितना होता है? एक्यूट एंगल। मगर इफ फॉर दोज लिक्विड्स विच व्हाट इज द सरफेसेस ऑफ द कंटेनर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन, जिसको क्या बोलते हैं? शाबाश, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, सारा वीडियो में समझाया हुआ। लेकिन अब जो मुझे आप लोगों को समझाना है, दैट इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कैपिलरी ट्यूब होता क्या है। कैपिलरी ट्यूब होता क्या है, इधर देख लीजिए। अगर आप पेन से लिखते हो, रिफिल जब खत्म होती है, रिफिल की जो निब है वो निकाल दूंगा, फिर अगर उस रिफिल से मैं ऐसे देखूंगा, जब उसकी इंक खत्म हो जाएगी आर पार नजर आएगी, नहीं जाएगी किससे? रिफिल से। इसी तरीके से होता है कैपिलरी ट्यूब। क्या होता है? मगर कैपिलरी ट्यूब बना होता है गिलास। आप लोग देखोगे इस साल प्रैक्टिकल, अगर लेबोरेटरी में गए इस साल, आप लोग देखोगे प्रैक्टिकल करने के वक्त, उसको गिलास ट्यूब होता है एक्चुअल में। ए लॉन्ग गिलास ट्यूब हैविंग ए फाइन बोर, बोर का मतलब छेद, थ्रू आउट इट इज लेंथ। इसकी ये जो फाइन बोर होता है इसमें, थ्रू आउट इट इज लेंथ, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं? व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? शाबाश। ए लॉन्ग गिलास ट्यूब हैविंग ए फाइन बोर थ्रू आउट इट इज लेंथ, उसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? शाबाश। ए लॉन्ग गिलास ट्यूब हैविंग ए फाइन बोर थ्रू आउट इट इज, उसको क्या बोलेंगे? नींद नहीं करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is capillary tube? फटाफट बताओ। A long glass tube having a fine bore throughout it is, उसको क्या बोलेंगे? Capillary tube किसका बना होता है? अगर हम ऐसे पढ़ लेंगे, आंख के सामने नजर आर पार जाएगी, किसमें? शाबाश, उसको बोलते हैं capillary tube। किसका बना होता है? ठीक। अब एक चीज मैं बताता हूं, अगर एक कैपिलरी ट्यूब लूंगा, इधर देखो सारी लड़कियों, ये मैंने एक बीकर में मैंने लिया है, इस बीकर में लिया है मैंने पानी। पानी का मतलब है ऐसा लिक्विड जो वेट करता है सरफेसेस ऑफ द, और उसमें किसको डाला मैंने? इधर देखो बीकर में इसकी हाइट यहां तक है, यहां तक पानी की हाइट। लेकिन जब आप लोग इसमें कैपिलरी ट्यूब डालोगे, लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब, ये यहां तक जाए। इसका मतलब हो गया व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन ए लिक्विड विच वेट्स द सरफेसेस ऑफ द कंटेनर, द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। लिक्विड क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्यों राइज करता है लिक्विड, क्या करता है, किस में? मगर कौन सा लिक्विड? लाइक वॉटर। ठीक है बेटा, अब इसी कैपिलरी ट्यूब को मैंने निकाल दिया इसमें, या दूसरा कैपिलरी ट्यूब डाल दिया, ये मैंने डाल दिया अब मरकरी में, मरकरी वेट। शाबाश बेटा, देखो होता क्या है इसमें, इसमें देखो क्या होता है, मरकरी की हाइट यहां तक है, लेकिन इधर देख लीजिए इसमें हाइट फॉल कर गई, इसमें हाइट यहां तक ही आ गई। ओरिजिनल हाइट मरकरी की यहां तक है, लेकिन इसमें लाइट इसमें नीचे हुआ, इस हाइट से नीचे हुआ, इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड हो गया। क्या हो गया? इसमें राइज। अब देखो when a capillary tube is dipped in a liquid which wets the surfaces of the container, the liquid rises in the capillary tube. When the capillary tube is dipped in a liquid which does not wets the surfaces of the container, the liquid falls. Falls ka matlab ho gaya depressed.
द लिक्विड फॉल्स इन द कैपिलरी ट्यूब. पता है क्यों? सुनो, तुम लोगों को पता है गिलास में जब हम पानी पीते हैं, पानी खत्म करने के बाद वाटर के ड्रॉपलेट्स किसके साथ चिपकते हैं? पता है किस फोर्स से? शाबाश, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एडहेसिव फोर्स ऑफ, लेकिन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स. अब सुनो, इस केस में क्या भरा है? इसमें पानी. पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स. पानी और ग्लास सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स है? शाबाश. इन दिस केस adhesive force of attraction between the molecules of liquid and glass surface is greater than cohesive force. इसमें cohesive force कम water molecules के बीच में, लेकिन adhesive force, इसलिए ये कहां ले चला जाता है? इसमें देखो, mercury के droplets में cohesive force क्या है? ज्यादा. और adhesive force ये चिपकता नहीं है किसके साथ? सरफेस के साथ. क्योंकि एडहेसिव फोर्स क्या है? एज कंपेयर टू, इसको अंदर से ही खींच रहा है कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स. ये नीचे खींच रहा है, इसलिए इसमें लिक्विड फॉल करता है. समझ आया? व्हाई द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब एंड व्हाई द मर्करी फॉल्स इन द कैपिलरी ट्यूब. आंसर दे सकते हो क्या? इन दिस केस शाबाश रितिका, क्या है? इन दिस केस the force of adhesion between the molecules of water and the glass surface is much greater than the between the water molecules. But in this case, the cohesive force of attraction between the mercury drops, mercury molecule, is far greater than the adhesive force between the glass surface and the mercury drops. ठीक है, इसलिए इसके साथ चिपकता नहीं, इसके साथ. अब मुझे बताओ, इसमें क्या कर दिया? इसमें क्या कर दिया? आप सुनो, मैंने अभी तक कैपिलरी ट्यूब बताया क्या होता है. दिस फिनोमिनन ऑफ रेगुलर राइज और फॉल, पढ़ो जरा. दिस फिनोमिनन ऑफ रेगुलर राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड capillarity. Is called what? Is capillarity? Shabash, the phenomenon of regular rise or fall of a liquid in a capillary tube is called. ये जो पानी का ऊपर जाना या ये मरकरी का नीचे आना, इस phenomenon को बोलते हैं capillarity. क्या बोलते हैं? What do you mean by capillarity? Shabash, the phenomenon of regular rise or fall of a liquid in a is called. तीन चीजें अभी तक क्लियर करो. बात सुनिए, कैपिलरी ट्यूब, a glass tube, a long glass tube having a fine bore throughout it is called a capillary tube. Is called a. शाबाश. When a capillary tube is dipped in a liquid which wets the surfaces of the container, the liquid. When the capillary tube is dipped in a liquid which does not wet the surfaces of the container, the liquid. Liquid. शाबाश. This phenomenon of regular rise or fall of the liquid in the capillary tube is called capillarity. बात सुनिए. जब लिक्विड राइज करेगा तो इसकी हाइट मेजर करनी पड़ती है, जब लिक्विड फॉल करेगा तो इसकी डेप्थ निकालनी पड़ती है. जब हाइट निकालेंगे तो उसको बोलते हैं एसेंट फार्मूला, जब डेप्थ निकालेंगे इसको बोलते हैं डिसेंट फार्मूला. लेकिन हमारे सिलेबस में एसेंट फार्मूला है. क्या है? समझ आया? क्या मैंने बताया? हाइट के लिए व्हेन वी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब, this is called the. When we derive an expression for depth of the liquid, then it is called the. Now we have to derive
समझ आया? अभी तक समझ आया कि नहीं? कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, कैपिलैरिटी क्या होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। कैपिलैरिटी की, कैपिलैरिटी की एग्जांपल्स देख लीजिए। पहली एग्जांपल, ठीक है, देख लो। सबसे पहले आप लोगों को अगर पता होगा, जो पेड़ों पर पानी ऊपर तक पत्तों तक जाता है तो सैप उसको बोलते हैं। सैप एंड वॉट, सैप और वाटर राइजेस इन द ट्रीज, राइजेस इन द अप वेरी हाई, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलैरिटी। ये किसकी एग्जाम्पल है? वो पानी का राइज होना पेड़ों में, जो पेड़ बहुत बहुत बड़े हैं, हर किसी पत्ते तक वो पानी पहुंचाना ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी ट्यूब। देखो जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर वेन्स है, इसी तरीके से पेड़ों के अंदर होते हैं कैपिलरी ट्यूब्स। क्या होते हैं? ग्लास के नहीं होते हैं, वो कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं। उन ट्यूब्स में क्या चलता रहता है? पानी, सैप बोलते हैं उसको। तो वो कहां जाता है? हर किसी पत्ते तक, लेकिन किस एक्शन से? आप लोगों ने देखा होगा विक, जानते हो क्या होता है विक? लालटीन होते थे पहले हमारे घरों में, होते थे ना, जो केरोसिन ऑयल पर चलते थे, जानते हो? उसको ऐसे ऐसे विक को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। विक एक्चुअल में कॉटन की होती है, कॉटन की बनी होती है वो विक, जो जलती रहती है, नहीं देखा? केरोसिन ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता रहता है और विक जलती रहती है और रोशनी उसी से आती है पूरे कमरे में। वो जो विक है ना, जिसमें पानी थोड़ा, ये तेल केरोसिन ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता रहता है, वो किस एक्शन से? कैपिलरी एक्शन से। किस एक्शन से? विक इन द लैम्प इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। आप लोगों ने देखा स्पंज देखा होगा, या ब्लॉटिंग पेपर जिसको हम बोलते हैं स्पंज, या जो गाड़ियों के सीट में होता है स्पंज, फोम जैसा। आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं पर इंक गिरेगी, इंक बोतल जो होती है वो गिर गई, आप अगर तुम लोगों के पास वो स्पंज होगा, आप लोग उस पर रख दीजिए, वो इंक को क्या करता है? सक नहीं करता है। इट इज कौन सी एक्शन है? कैपिलरी एक्शन। ये भी एग्जांपल है किसकी? मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बता रहा हूं, तुम लोगों को याद रखना है। टॉवल हमारे घरों में, हर किसी के घर में होती है टॉवल। टॉवल आप लोग देख लीजिए, टॉवल के जो थ्रेड्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, नहीं होते थ्रेड्स बाहर, होते हैं थ्रेड्स। जो टॉवल है, नॉर्मल कपड़ा तो नहीं ना होता, वो अलग कपड़ा होता है, टॉवल का कपड़ा ही अलग होता है, उसके थ्रेड्स होते हैं बाहर। अगर आप लोग क्या करोगे, टॉवल का एक हिस्सा, एक साइड पानी के बकेट में डालोगे, दूसरा साइड बाहर रखोगे। बकेट में आधी टॉवल, उस बकेट में पानी है, आधी टॉवल पानी में डाल दी, आधी बाहर रख दी। एक घंटे के बाद देख लीजिए पूरी टॉवल वेट हो जाएगी, क्योंकि वो जो थ्रेड्स है ना, वो कैपिलरी ट्यूब्स एक्ट करते हैं। हम टॉवल से ही अपने आप को क्यों पोंछते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी पर जो पानी के ड्रॉपलेट्स है, नॉर्मल कपड़े से नहीं उठते हैं, इसमें लगे होते हैं कैपिलरी ट्यूब्स, वो थ्रेड्स बाहर की तरफ होते हैं, वो थ्रेड्स एक्ट करते हैं एज कैपिलरी ट्यूब्स, वो सक करते रहते हैं किसको? समझ आया? ये भी किसकी एग्जांपल? आप लोगों ने इंक पेन, जिसको फाउंटेन पेन बोलते हैं, फाउंटेन पेन की निब स्प्लिट होती है आगे से, बीच में उसको ऐसे तोड़ दी जैसे होती है बीच में, वो जो बीच में से छेद जैसा, मतलब एक लाइन जैसी है,
वो कैपिलरी ट्यूब एक्ट करते हैं, उसमें कंटिन्यूअसली इंक आती रहती है थोड़ी थोड़ी, और आप लोग लिखते रहते हो। मगर वो एक्शन पता है क्या है? कैपिलरी एक्शन। अगर वो निब में निब स्प्लिट नहीं होगी तो आप लोग नहीं लिख पाओगे। निब जरूर होती है फाउंटेन पेन की स्प्लिट आगे से। वो स्प्लिट क्यों बनाते हैं? ताकि वो कैपिलरी ट्यूब बन जाए, कैपिलरी एक्शन करे, उस निब में से थोड़ी थोड़ी इंक आती रहे। वो भी एग्जांपल है किसकी? कैपिलैरिटी की। आप लोग देख लीजिए, ब्रिक जो हम लाते हैं नई ब्रिक, उसको हम पानी के अंदर डालते हैं, वहां से वाटर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ब्रिक के अंदर पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो पानी को सक करते हैं, वो पोर्स एक्ट करते हैं एज कैपिलरी ट्यूब्स। क्या करते हैं? इधर सुनिए, चाहे विक एक लैंप की, चाहे टॉवल, चाहे आप लोग मान लीजिए सैप इन द ट्रीज, या आप लोग यही ब्रिक्स का, ये सारे एक्शंस है किसके? कैपिलैरिटी के। कैपिलैरिटी के 5-6 एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने बताए, लाइक शबाश, लिक्विड राइजेस इन द ट्रीज, वो किसकी एक्शन है? कैपिलैरिटी। रेगुलर राइज होता है किसका? वाटर का या सैप का, ड्यू टू शबाश। इसी तरीके से टॉवल सक करते हैं पानी को, ये भी किसके एग्जांपल है? ब्लॉटिंग पेपर या स्पंज सक करता है पानी को, किसकी एग्जांपल है? समझ आया? ये सारी एग्जांपल्स है कैपिलैरिटी की। किसकी? तुम लोगों को समझाया कैपिलैरिटी क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, कैपिलरी एक्शंस क्या होती है। समझ आया यहां तक? अब मैं आप लोगों को निकाल के देता हूं डिराइव एसेंट फॉर्मूला। अब ये हम डिराइव एसेंट फॉर्मूला करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है, आप लोग अंडरस्टैंड करोगे तभी पेपर में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ध्यान से देख लीजिए एसेंट फॉर्मूला। देखो डायग्राम्स में बना दूंगा, फिर हम एसेंट फॉर्मूला निकालेंगे। अच्छी तरीके से समझना है, जिसको नहीं समझ आएगा वो दोबारा भी बताओ, मैं दोबारा भी समझाऊंगा। डेरिवेशन एसेंट फॉर्मूला की, डेरिवेशन चुप करके सुनो। ये एक कंटेनर लाया मैंने, इस कंटेनर में, ये डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाऊंगा मैं ताकि तुम लोगों को समझ आए। इसमें आप लोगों को लिक्विड भरना है। इधर देख लीजिए कैपिलरी ट्यूब, इस वक्त मैं फाइन बोर फाइन नहीं बनाऊंगा, छोटा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ये मैंने इसमें कैपिलरी ट्यूब डाला, अंडरस्टैंड करना। किसमें डाल दिया? किसमें डाल दिया? लिक्विड में। लिक्विड कौन सा रखा? वाटर। ये वाटर है। शाबाश हो, बातें नहीं करो। लिक्विड राइज करेगा कि फॉल करेगा? शाबाश। मान लीजिए राइज कर दिया इसने, और याद रखना जो लिक्विड राइज करेंगे वो कौन सी शेप बनाते हैं? दे मेक ए कनकेव मेनिस्कस एट देयर सरफेस। ये बना दिया कनकेव मेनिस्कस इस सरफेस पर, अंडरस्टैंड करना। मगर आप लोगों को पता है जो इस ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो टॉप फेस है वो सर्कुलर है ना, ये यहां पर बोर्ड पर आप लोगों को ये समझना है, ये कौन सा, ये क्या है? क्योंकि जैसे पेन है, ये कैसा है? ये याद रखना सर्कुलर। आप इधर सुनिए, इस लाइन, ये मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये देख लो आप, ये वाली लाइन, इसको मैंने ए बी सी और डी, ठीक है बेटा? ठीक है, यहां तक ठीक है। इधर देखो, ये है
हाइट h, ये लिक्विड की हाइट है जहां तक लिक्विड राइज कर, इसकी हाइट कितनी है h। अंडरस्टैंड करो, इस कैपिलरी ट्यूब, इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, ये है रेडियस r, ये रेडियस इस कैपिलरी ट्यूब का कितना है ठीक है, कितना कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है r, हाइट लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब कितना है h। अंडरस्टैंड करो, इस कैपिलरी ट्यूब को किस में डाल दिया आपने, कौन सी शेप बनाएगा ऊपर, ए बी सी डी, इसको ई और इसको एफ रखो ठीक है। आप देखो ये डायग्राम, आप लोग देख लीजिए, ये आएगी बनानी, हाँ, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ये सी है, ये जो इधर देखो, अगर इस सर्कल का रेडियस कितना है, ये भी कितना होगा फिर, अंडरस्टैंड करना। आप देख लीजिए, आप सबको पता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं, मैंने समझाया पहले, कहां पर, यहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे और टेंजेंट यहां पर ड्रा करेंगे ऐसे, ये एंगल भी क्या है, ये भी, पूरा क्लियर करना बाद में समझ नहीं आएगा। ये जो नेट डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं लिक्विड को, जो अंदर की तरफ लिक्विड को खींचते हैं, वो कौन सा फोर्स होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, लिक्विड के सरफेस पर एक इनवर्ड फोर्स होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो टॉप पर जितने भी सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या होता है, ये डाउनवर्ड फोर्स किसकी वजह से होता है, शाबाश, अगर डाउनवर्ड फोर्स टी है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट इसको एक्शन, अगर ये एक्शन है इसकी रिएक्शन क्या है, अपोजिट, ये हो गया आर, आर किसके बराबर होगा, सिमिलरली अगर ये एक्शन है डाउनवर्ड है, इसके अपोजिट में क्या जाएगी, रिएक्शन, ये भी क्या है, आर ठीक है। अगर ये थीटा है, याद रखना ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, आप देखो इस एंगल को, ये भी थीटा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक है। इस आर को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यहां तक डायग्राम आएगी बनाने, इस आर को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, रिजॉल्व दिस आर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट यहां से आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर से जाएगा, शाबाश, कौन सा कंपोनेंट का आस है, कौन सा साइन है, शाबाश, ये बन गया आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, सिमिलरली रिजॉल्व दिस कंपोनेंट, आर कॉस थीटा यहां से और आर साइन थीटा यहां से, जरा आप लोग मुझे बताओ, ये है कैपिलरी ट्यूब, अंडरस्टैंड करना, कैपिलरी ट्यूब में पानी ऊपर जा रहा है, कौन सा कंपोनेंट ऐसे ऊपर की तरफ, ओ समझ नहीं आएगा मुझे बताओ, कौन सा कंपोनेंट ऊपर की तरफ, कौन से कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ये यहां से, ये तो परपेंडिकुलर है इस सरफेस को, कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है पानी को ऊपर खींचने के लिए, आर साइन थीटा खींचेगा पानी ऊपर, कौन सा कंपोनेंट का काम है, आप जो मेन क्वेश्चन है तुम लोगों को समझ आ गया, क्वेश्चन बढ़ेगा आगे, मुझे बताओ, ये देखो ये है कैपिलरी ट्यूब का हिस्सा, मैंने यहां पर दिखाया ऐसे ऊपर की तरफ, यहां पर दिखाया ऊपर की तरफ, अब मैं यहां पर दिखाऊंगा अलग से डायग्राम, इधर देख लीजिए, अंडरस्टैंड करो, ये ऐसे है, ऐसे है, ये जो मैंने यहां पर दिखाया,
मैंने अभी दिखाया ऐसे ऊपर हो रहा है, यहां पर ये भी r cos थीटा है, ये भी r cos थीटा है। क्वेश्चन डायग्राम बन जाए ना फिर तो तुम लोगों को इजी। क्या r cos थीटा सिर्फ यहां और यहां होंगे? नीचे नहीं, नीचे कैसे होंगे? देखो मैंने बताया ना, एक ऐसे किया हमने, एक यहां से किया, लेकिन ये तो गोल है ना, हर किसी सर्कमफेरेंस की जगह पर क्या होगा? अपवर्ड कंपोनेंट। ये ऐसे है, ऐसे हो, क्योंकि ये सर्कल ये है ना गोल, ये ऐसे है। मुझे बताओ जो जो ये आर कॉस थीटा वाले कंपोनेंट होंगे कितनी लेंथ पर होंगे? हाँ हमें देखना है इस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का मतलब है सर्कमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। क्या? अब आप लोग मुझे बताओ नेट अपवर्ड फोर्स, जरा आप लोग बताओ नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड, नेट अपवर्ड फोर्स अच्छी तरह समझना, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल नेट अपवर्ड फोर्स। शाबाश, कितना है अपवर्ड फोर्स? सिर्फ आर कॉस थीटा है, वो ये भी है, ये भी है, इधर भी है, इधर भी है, सारी जगह पर है। कितना? आर कॉस थीटा मल्टीप्लाई, शाबाश, कितने पर? आर कॉस थीटा कितनी लेंथ पर है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, 2πr, व्हाट इज r? रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर, रेडियस ऑफ द सर्कल, यहां रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इस 2πr तक ये कंपोनेंट है। अगर नहीं समझ आया मुझे बताओ, ये नेट अपवर्ड फोर्सेस, नेट अपवर्ड फोर्स कितने हैं? सिर्फ r cos थीटा नहीं, ये r cos थीटा नहीं, कितने r cos थीटा? r cos थीटा मल्टीप्लाई 2πr, 2πr इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब वेयर r cos थीटा कंपोनेंट्स एक्ट्स। ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट शाबाश बेटा, r इज इक्वल एंड अपोजिट टू डायग्राम, व्हाट इज t? सरफेस टेंशन t, f विल बिकम, शाबाश बोलो, t cos थीटा मल्टीप्लाई 2πr। This is equation number second and this is step number first. जिसको भी समझ नहीं आया यहां तक मुझे बता, मैं रिपीट करूं, क्वेश्चन बहुत बड़ा। अब अगर यह समझ आ गया आप लोगों को यहां तक, अपवर्ड फोर्स है, लिक्विड किस में चला गया, अब मुझे निकालना है डाउनवर्ड फोर्स। क्या निकालना है? डाउनवर्ड फोर्स। जब निकालूंगा इन इक्विलिब्रियम, पानी हमेशा राइज नहीं ना करेगा, एक स्टेज पहुंचेगा जब रुक जाएगा। कब रुक जाएगा पता है? कब? जब नेट अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होंगे, फिर कैपिलरी ट्यूब में पानी ऊपर नहीं जाएगा। ये याद रखना मेरी बात। अब हमें निकालना क्या है पता है कैसे नेट डाउनवर्ड फोर्स निकालेंगे? इधर सुनो, नेट डाउनवर्ड फोर्स निकालेंगे हम वेट से, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। क्या निकालेंगे? मगर वेट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वेट को निकालने के लिए पहले में निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा? वो क्या निकालना पड़ेगा? किसका? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। एक चीज ये करूंगा, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा फिर मास से, क्या बन जाएगा? नहीं, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा डेंसिटी से, क्या करो, क्या बन जाएगा? मास। वॉल्यूम से बनाऊंगा क्या? मास को मल्टीप्लाई करूंगा जी से, क्या बन जाएगा? ये काम का समझ आया क्या? क्या काम करना है? क्या काम करना है? पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द, उस वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा? मास ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब, उस मास को किससे मल्टीप्लाई करूंगा,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बन जाएगा? इन इक्विलिब्रियम वो वाला वेट और ये क्या होगा? क्योंकि वेट इज एक्चुअली द नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड फोर्स तो हमने निकाला हुआ, समझ आया कि नहीं? सबसे मेन काम है अब हमें वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब कितना है, ये जिसको भी समझ आ गया ये क्वेश्चन हो गया, फिर मुझे मल्टीप्लाई ही करना है। ईशा समझ आया क्या करना है काम में? वॉल्यूम निकालेंगे किस में? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। लेकिन वॉल्यूम इतना आसान भी नहीं निकालना है जितना आप लोग समझते हो। वॉल्यूम पहले मैं निकालूंगा, इधर देखो, पहले मुझे देखना है, आप लोग देख लीजिए, एक सिलेंडर है, इधर सुनो सारे, एक सिलेंडर है ए बी सी डी, इधर देखो ये सिलेंडर है ए, नहीं ए बी एफ ई, सिलेंडर है ये वाला सिलेंडर ए बी एफ ई, एक सिलेंडर ये जिसमें पानी है। पहले मुझे निकालना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर ए बी एफ ई, यहां तक ठीक है। फिर मुझे निकालना है पानी का वॉल्यूम किन में? मेनिस्कस में। किन में? मेनिस्कस इसके ऊपर है, मेनिस्कस इसके ऊपर है, देखो कैसे, ये याद रखना। फिर मुझे ये वाला पानी का वॉल्यूम निकालना है, तुम लोग अंडरस्टैंड करो, ये इसका रेडियस है आर, हाइट भी है आर, ये वाला टेंथ में किया है आप लोगों ने। फिर मुझे इन कोनों में पानी निकालना है जिनको मेनिस्कस बोलते हैं। एक तो यहां तक कितना चढ़ा इस हाइट तक, प्लस कौन सा पानी ऐड करने, मेनिस्कस में पानी, इन कोनों में कितना पानी भरा, ये कैसे निकालेंगे? टेंथ में किया है ऐसे कुछ, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ना ना माइनस, माइनस निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप देखो नहीं समझ आया रितिका, नहीं समझ आया? ये देखो ये सिलेंडर है, ये लगता है आपको रेक्टेंगुलर, मगर ये रेक्टेंगुलर क्योंकि कैपिलरी ट्यूब है। ओ इधर सुनो, ये तो सिलेंडर ठीक है, ए बी एफ ई तो सिलेंडर ठीक है। अब मुझे ये पानी निकालना है, ये है ए बी सी डी, पहले निकालूंगा क्या वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ए बी सी, माइनस क्या करूंगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अगर स्फीयर का 4/3, इसका क्या होता है 2/3 निकालूंगा। अब मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब कितना होगा? शाबाश कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब? शाबाश कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब? शाबाश, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब किस सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर किस सिलेंडर में? ए डी एफ ई, माइनस नहीं प्लस, प्लस शाबाश, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर, शाबाश, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर किस सिलेंडर में? ए बी सी डी, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ, तुम लोगों को समझ आया कि नहीं? ये फॉर्मूला समझ आए? इसमें कितना लिक्विड है, हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर, इसमें कितना लिक्विड है इन कोनों में, ये कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी सी डी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मुझे बताओ इस सिलेंडर का रेडियस कितना, इसकी हाइट कितनी? शाबाश, लगाओ फॉर्मूला, शाबाश, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बोलो पाई आर स्क्वायर एच किसका आएगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिल इन द सिलेंडर ए बी एफ ई कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर ए बी सी डी, इसका इसकी हाइट कितनी है? आर, रेडियस भी कितना?
इसलिए कितना आएगा पाई आर स्क्वायर इनटू एच, एच के बजाय तुम लोगों को समझ आया ये किस सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट भी कितनी है आर और रेडियस भी, इसलिए मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच के बजाय क्या लिखा, समझ आया कनिष्का, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू अपॉन थ्री पाई आर क्यू, यही है ये? शाबाश, जरा कैलकुलेशन करो, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यू माइनस टू अपॉन थ्री पाई आर क्यू, थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शाबाश, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 3 पाई आर क्यू माइनस 2 पाई आर क्यू अपॉन 3 पाई आर क्यू माइनस 2 पाई आर क्यू, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस शाबाश पाई आर क्यू अपॉन 3, ठीक है, क्या निकलेगा दो में से कॉमन पाई आर स्क्वायर निकालो कॉमन, शाबाश, एच प्लस आर अपॉन, मुझे बताओ अब इस v को क्या पढ़ेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजेज इन द, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब कितना आया पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर अपॉन, दिया समझ आया, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर अपॉन थ्री, ये रफ पर निकालना आर यहां से घर जाके रफ पर, ये सारी इक्वेशन तुम लोगों को थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली ये फॉर्मूला बना फिर मैथमेटिकली करो बस, बाकी आएगा तुम लोगों को लिखना, शाबाश, ये क्या आ गए, वॉल्यूम को क्या बनाऊंगा मास, मास ऑफ द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब हो गया मास, एम इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई डेंसिटी, मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी इज इक्वल टू बी निकाला हुआ, लगा बी का वैल्यू, शाबाश, एम इज इक्वल टू बोलो पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर अपॉन थ्री इंटू रो इंटू, देखो वॉल्यूम के बजाय लगा दिया ये सारा, ये आ गया वॉल्यूम के बजाय मल्टीप्लाई क्या किया density. क्या बन गया मास, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, अब मास से बनाना है वेट, वेट क्या करेंगे, वेट इज इक्वल टू एम जी, मास का वैल्यू यहां से लगाओ, शाबाश आयुष बताओ, डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर अपॉन थ्री रो इनटू वेट, व्हाट इज वेट एक्चुअली, वेट इज एक्चुअली द फोर्स with which a body is attracted towards the center of weight, kya hai actual downward force ki upward force, weight kya hai ye kaun sa force, mitau ye wala portion, samajh aaya ki nahi, ab main ye wala portion mita raha hu, aap log dekh lijiye in equilibrium, in equilibrium net upward force or नेट डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होंगे, शाबाश, इन इक्विलिब्रियम नेट अपवर्ड फोर्स एंड नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या बनेंगे, बताओ अपवर्ड फोर्स क्या है एफ और नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स यूजिंग सेकंड एंड फिफ्थ इन सिक्स, बोलो टी कॉस थीटा इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर अपॉन थ्री इंटू, मुझे बताओ एक चीज जरा बता कनिष्का, हम किसके लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं इसमें, कौन सी टर्म हाइट है इनमें, हाँ इसके लिए हमें एक साइड से ये आनी चाहिए दूसरी साइड से बाकी टर्म आए, समझ आया, भूल नहीं जाना है, किसके लिए हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन, एच के लिए,
किसके लिए? एच है टर्म इसमें मौजूद क्यों नहीं? शाबाश, करो कैंसिल टर्म में क्या क्या पाई और पाई आर और आर और कुछ होगा यही। शाबाश, क्या बनेगा? टी कॉस थीटा टू बी है इज इक्वल टू आर एच प्लस आर अपॉन थ्री रो इंटू यहां बस बाकी कैंसिल हो गया। आप सुनो जरा मुझे बता दीजिए कैपिलरी ट्यूब होता क्या था? हैविंग अगर मैंने वो बोला आप लोगों को कैपिलरी ट्यूब होता है जैसे आप लोगों की रिफिल, रिफिल का रेडियस कितना होगा? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम को डिवाइड करेंगे थ्री से, और कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? ओ आर इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, इफ आर इज डिवाइडेड बाय थ्री इट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट कैन बी अंडरस्टैंड। अभी भी नहीं समझ आया, मैंने बताया रेडियस कैपिलरी ट्यूब का ऑलरेडी क्या है? स्मॉल। अगर उस स्मॉल टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? अगर फोर को डिवाइड करूंगा थ्री से, वो फोर से ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? कम बनेगा। इसी तरीके से अगर आर, देन आर इज वेरी स्मॉल, इफ आर इज डिवाइडेड बाय थ्री इट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट कैन बी, इसलिए आर अपॉन थ्री टर्म क्या करेंगे हम? क्यों? आर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर आर डिवाइडेड बाय थ्री इज कैन बी। शाबाश, क्या बना? टू टी टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एच रो, ठीक है, आर रो और जी को किसके नीचे लाएंगे? एच विल बिकम, शाबाश, टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द लिक्विड राइजेज इन द, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द लिक्विड राइजेज इन द, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला। इधर देखो डायग्राम में, अगर थीटा एक्यूट होगा, कौन से थीटा जब एक्यूट होगा, एक्यूट का मतलब है लेस देन, लेस देन कॉस लेस देन 90 पॉजिटिव होता है कि पॉजिटिव, तो एच पॉजिटिव हो गया, एच तुम लोगों को समझ नहीं आया नहीं। मैंने बोला इफ थीटा इज लेस देन कॉस थीटा लेस देन 90 जब होता है इट इज मैथ में पढ़ा है, तो व्हेन इट इज पॉजिटिव एच विल बिकम, एच जब पॉजिटिव होगा तो लिक्विड, हाँ, व्हेन कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 90 क्या होगा? कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 90, शाबाश बेटा, तो ये क्या होगा? एच क्या बनेगा उस वक्त? एच विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है इट फॉल्स, व्हेन एच विल बिकम पॉजिटिव इट राइजेस, वही मैंने बताया था, व्हेन एच विल, व्हेन एच इज, व्हेन कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 90 एच विल बिकम, दिस मीन्स द लिक्विड फॉल्स इन द कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड फॉल्स इन द। और एक चीज मुझे इसमें आप लोगों को बताना है, वो देख लीजिए, दो चीजें स्पेशल केसेस में मैंने अभी तक समझाया, जरा पहला स्पेशल केस क्या आप लोगों ने देखा? अगर थीटा कॉस थीटा होगा, व्हेन कॉस थीटा इज लेस देन किससे, तो कॉस थीटा लेस देन 90 इज पॉजिटिव, एच विल बिकम पॉजिटिव, लिक्विड राइज करेगा फॉल करेगा, शाबाश। सेकंड, कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन क्या होगा? कॉस थीटा ग्रेटर देन 90 इज एच विल बिकम नेगेटिव, जब करेगा तो क्या करेगा? शाबाश, समझ आया यहां तक? और एक खुशी, और एक चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम से एच थर्ड है,
H is inversely proportional. H is inversely proportional. R. One upon R. नहीं बोलते हैं. Inversely means R. Directly proportional one upon R. Inversely proportional to R. इसका मतलब हो गया, याद रखना, अगर रेडियस कैपिलरी ट्यूब का होगा ज्यादा, हाँ याद रखना, तुम लोग बोलोगे इतना सब बड़ा कैपिलरी ट्यूब लाओगे, बोलोगे हाइट उतनी जाएगी, नहीं, जितना कैपिलरी ट्यूब का रेडियस ज्यादा होगा हाइट जाएगी कम, इनवर्सली रेडियस ही कम होगा, इसलिए ध्यान से समझना, जितना फाइन बोर होगा, जितना बारीक छेद होगा उतना पानी, हाँ उतना आप लोगों को विजिबल लगेगा, समझ आया? अब कैपिलरी ट्यूब फाइन बोर वाला होना चाहिए कि हैविंग वेरी बिग बोर, उसमें आप लोगों को राइज अच्छी तरीके से दिखेगा, समझ आया? हाइट ऑफ द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ द, और फोर्थ H is inversely proportional to density. जिसकी density ज्यादा, मरकरी की density ज्यादा है कि water? मरकरी की density तो height, water की density height, समझ आया? इसको बोलते हैं बेटा ascent formula. क्या बोलते हैं? What is ascent formula? H is equal to 2D. इसके बाद आप लोगों को मैंने समझाया है